हिमाचल प्रदेश के चार दिवसीय प्रवास के उपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड में गरिमापूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा आज समाप्त हो गया है। चार दिन से हिमाचल दौरे पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हिमाचल प्रदेश में उनके चार दिनों के प्रवास के बाद मशोबरा के कल्याणी हेलीपैड पर गर्मजोशी से विदा किया गया। इस दौरान कई दिग्गज नेता महामहिम को विदा करने आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदा करने के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित रहे। सीएम सुक्खू ने महामहिम को तोहफा भी दिया और यात्रा मंगलमय होने की कामना की। इनके साथ साथ प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रभू सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू और अन्य वरिष्ठ सिविल पुलिस और सेना अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तोहफे देकर उनका अभिनंदन किया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चार दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश में थी। इस दौरान वे बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मिनट के भाषण में हिमाचल के विकास को नई दिशा दी। उन्होंने पहाड़ की ठंड से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य पर ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ रही मार पर चिंतन करते हुए कैसे किसान और उद्यमी के विकास में विश्वविद्यालय योगदान दे सकता है, इसका मंत्र छात्रों, प्राध्यापकों और सरकार को दिया। महामहिम ने हिमाचल प्रदेश के विकास पर जोर दिया। उन्होंने हिमाचल सरकार को युवाओं और शिक्षा पर ध्यान देने का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के चार दिवसीय प्रवास के उपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड में गरिमापूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा आज समाप्त हो गया है। चार दिन से हिमाचल दौरे पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हिमाचल प्रदेश में उनके चार दिनों के प्रवास के बाद मशोबरा के कल्याणी हेलीपैड पर गर्मजोशी से विदा किया गया। इस दौरान कई दिग्गज नेता महामहिम को विदा करने आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदा करने के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित रहे। सीएम सुक्खू ने महामहिम को तोहफा भी दिया और यात्रा मंगलमय होने की कामना की। इनके साथ साथ प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रभू सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू और अन्य वरिष्ठ सिविल पुलिस और सेना अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तोहफे देकर उनका अभिनंदन किया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चार दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश में थी। इस दौरान वे बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मिनट के भाषण में हिमाचल के विकास को नई दिशा दी। उन्होंने पहाड़ की ठंड से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य पर ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ रही मार पर चिंतन करते हुए कैसे किसान और उद्यमी के विकास में विश्वविद्यालय योगदान दे सकता है, इसका मंत्र छात्रों, प्राध्यापकों और सरकार को दिया। महामहिम ने हिमाचल प्रदेश के विकास पर जोर दिया। उन्होंने हिमाचल सरकार को युवाओं और शिक्षा पर ध्यान देने का संदेश दिया। शिमला से न्यूज़ पर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ। जाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।